और अब बात करते हैं मौसम की। एमपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में सर्दी का डबल अटैक दिखा जा रहा है। ग्वालियर में सर्दी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें सामान्य से 10.3 डिग्री नीचे लुढ़क चुका है पारा। अधिकतम तापमान 10.3 हो चुका है। 5 जनवरी 2001 को 9.8 डिग्री रहा था अधिकतम तापमान। शुक्रवार को सीजन का 11वां सीवियर कोल्ड डे रहा है। 11 सीवियर कोल्ड डे और 7 दिन कोल्ड डे में गुजरे हैं। अंचल में 48 घंटे शीतलहर का असर बढ़ेगा। ग्वालियर और दतिया में सीवियर कोल्ड डे रहेगा। यह भी बता दें भिंड मुरैना शिवपुरी में कोल्ड डे रहने के पूरे पूरे आसार हैं। तो डबल अटैक सर्दी का लगातार जारी है। घना कोहरा हम देख रहे हैं, लगातार ठंड हो रही है और आम जन इससे परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, कहीं पर ट्रेनें लेट हो रही हैं, कहीं पर कैंसिल हो रहे हैं। लगातार घना कोहरा, कई हिस्सों में बारिश भी हमने देखी और इसी वजह से कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ने का अनुमान। एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। भोपाल में कई इलाकों में रिमझिम बारिश भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भोपाल में 9.4 डिग्री दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान। खजुराहो सागर दतिया में शीतलहर का प्रकोप देखा गया। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और आने वाले 48 घंटे इसी तरह का मौसम बने रहने के पूरे पूरे आसार हैं। हल्की बारिश देखी गई भोपाल में। कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। घना कोहरा है और कहीं ना कहीं आम जन इससे परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में रिमझिम बारिश भी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, पूरे ही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग सारे हिस्सों में कड़ाके की ठंड है और घना कोहरा छाया हुआ है। भोपाल का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर हल्की बारिश भी हुई है। वहां पर भी लोग परेशान होते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। कहीं पर अलाव का सहारा, कहीं गर्म कपड़ों का सहारा और सड़कों पर भी जो वाहनों की रफ्तार कम हो चुकी है बर्फीली हवाओं की वजह से मौसम में बदलाव साफ तौर से देखा जा रहा है। आने वाले समय में भी इसी तरह ठंड पड़ेगी। सहयोगी जुड़ गए हैं, आखिर क्या हाल है भोपाल के और ग्वालियर के, ये भी जानेंगे हम सहयोगी से। सुशील ग्वालियर से, वासु भोपाल से हैं। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, लगातार ठंड बढ़ रही है और अब तो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। बारिश भी हुई है, कितना तापमान वहां पर, कैसी स्थिति बताइए। बिल्कुल, देखिए भोपाल की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है वो 9.8 डिग्री दर्ज किया गया है और एक बार फिर कड़ाके की सर्दी जो है वो भोपाल में देखने को मिल रही है और आसपास के जिलों का भी यही सूरत हाल है। बल्कि मध्य प्रदेश के 42 जिलों में ये कह सकते हैं कि जोरदार सर्दी का असर जो है वो देखने को मिला है, जहां पर कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला, कई जगह पर कोहरे, कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हुई है और इस सबके चलते अब व्यापक पैमाने पर जो आम जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी मार ट्रेनों पर भी पड़ रही है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोहरे में ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रिस्की भी हो जाता है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो तमाम सावधानियां रखने की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है वो बनी हुई है। अगर आप छतरपुर की बात करते हैं, शिवपुरी की बात करते हैं, तो इन जिलों के कुछ इलाके में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे चला गया है और ये बड़े हैरानी की बात भी है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो मकर संक्रांति का पर्व होता है 14-15 जनवरी के बाद तापमान में राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल इस वर्ष ऐसा मौसम बना हुआ है कि लगातार मौसम जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है और इसके अब दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो है कि जेट स्ट्रीम जो है वो चल रही है 12-13 फीट की ऊंचाई पर और उत्तर से बर्फीली हवाएं आ रही है जिनका असर लगातार बने रही है। लगातार सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मौसम का मिजाज पूरी तरह से ग्वालियर में बढ़ चुका है और बहुत ज्यादा चंबल चुके हैं, ठंडा हमेशा से ही रहता है। अभी क्या आसार है, कितना तापमान है और क्या वहां पर भी बारिश के आसार या बारिश हो रही है?
बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल इस वक्त कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। उत्तर भारत के पंजाब हिमाचल कश्मीर से जो सर्द हवाएं आ रही है उसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल अगर देखें तो एक महीने से सर्दी की आगोश में नजर आ रहा है। कल की बात करें तो कल ग्वालियर और दतिया में अंचल में सीवियर कोल्ड डे रहा है, जहाँ सामान्य तापमान दिन का जो है वो 10 डिग्री तक नीचे रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और यही वजह है कि इस सीजन में अभी तक 11 सीवियर कोल्ड डे हो चुके हैं और 7 कोल्ड डे रहे हैं। 48 घंटे तक मौसम इसी तरह का रहेगा। माना जाए कि अभी और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। कैंसर के इलाज